right now you are working as a first officer. Yes, sir. Training ho gayi aapki? Sir, under trainee. It almost training has almost completed around 2.5 months. Okay, अच्छा आपने team हो good. आपका subject क्या है आपके? Sociology. अच्छा empathy और sympathy क्या होता है? सर एम्पैथी और सिंपैथी बहुत ही सिमिलर देखने में लगते हैं बट एक्चुअल में अलग हैं. एम्पैथी का मतलब है कि सर जब हम किसी की उदाहरण के तौर पर सर हम अगर सड़क पे जा रहे हो किसी गरीब बच्चे को देखते हैं चाय बेचते हुए तो अगर हम सोचते हैं कि अरे बेचारा बहुत गरीब है चाय बेच रहा है वो काइंड ऑफ सिंपैथी है. अगर हम उसके लिए एक्टिव सोचते हैं कि क्या कर सकते हैं गूगल सर्च आउट करते हैं कि नियर अबाउट कोई एनजीओ है जिसमें उसका एडमिशन हो सकता है या कोई और उपाय जिससे उसकी वो समस्या हल हो जाए वो काइंड ऑफ एम्पैथी है. अच्छा आप सीतापुर से हैं? यस सर. नाम है सीतापुर में ही है? यस सर. गवर्नमेंट ने भी यहाँ के लिए क्या इनिशिएटिव लिया बजट में? सर गवर्नमेंट ने नैमिषारण्य तीर्थ के विकास के लिए जो चक्र तीर्थ है वहाँ पे और उसके एरिया के विकास और टूरिज्म फैसिलिटी ताकि कनेक्टिविटी अच्छी रहे उसका और जीर्णोद्धार किया जाए उसके लिए बजट में सरकार ने लगभग 25 करोड़ रुपये एलोकेट किए हैं. कोई यूनिवर्सिटी की बात की है वहाँ पे? नहीं सर नैमिषारण्य में यूनिवर्सिटी नहीं. यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करने की बजट में बात की गई है पर नैमिषारण्य के एरिया में नहीं. अच्छा सीतापुर में कोई मतलब ऐसे आदमी का नाम जुड़ा हुआ है जो अकबर के नौरत्नों में थे? यस सर. सर टोडर मल साहब जैसे वो सीतापुर के एक तहसील लहरपुर उसमें उससे बिलोंग करते हैं और वो सर उनका बंदोबस्त सिस्टम उन्होंने प्रचलित किया था राजस्व विभाग से जुड़े हुए थे और उससे उन्होंने पहले जो ज़मीन की जो राजस्व तय होता था उसको पूरी मापन विधि से कि प्रॉपर मेजरमेंट से फिक्स किया था रेवेन्यू. ये सर आई थिंक दहसाला कहते थे सर उसको. नॉट श्योर. सिंस नोइंग योर बैकग्राउंड ऑफ द फॉरेस्ट्री would you like to throw some light on the interlinking of rivers project initiative with the government of India? Yes, what would be the various benefits and challenges related to it? सर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर बहुत ही पुराना भारत सरकार का प्रोजेक्ट रहा है प्रधानमंत्री श्री नेहरू के टाइम से और इसको अभी हाल में केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट इंटरलिंकिंग का एक इनिशिएट किया जा रहा है जो इंडिया का पहला प्रोजेक्ट है. सर उसके बेनिफिट ये हैं कि हमारे भारत का जो पैटर्न ऐसा है जलवायु वाला कि 3 महीने में लगभग 80% बारिश हो जाती है और इससे फ्लड की समस्या रहती है. भारत के कुछ क्षेत्रों में ड्रॉट की समस्या रहती है तो फ्लड और ड्रॉट के दोनों चैलेंजेस से निपटने के लिए इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट एक वरदान की तरह साबित हो सकता है. सर इसके नेगेटिव इम्पैक्ट ये हो सकते हैं कि नदियों का मार्ग परिवर्तन करने से वो अपने नेचुरल फॉर्म में नहीं चलेंगी तो हो सकता है कि एक तो इशू है इकोनॉमिक नदियों को उनके जो प्राकृतिक मार्ग हैं उनसे डाइवर्ट करना तो इकोनॉमिक इशू है काफ़ी कास्ट लगेगा. दूसरा ये है कि सर अगर विद द टाइम नदियों का जल सूख गया या फिर डाइवर्ट करने के बाद फिर वहाँ से पानी कम हुआ तो एक इकोलॉजिकल चैलेंजेस हैं और तीसरा है सर वाइल्ड लाइफ जो भी है तो सर उसको डिस्ट्रैक्शन होगा और चौथा कि जो वहाँ की सोसाइटी है तो उससे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट और सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट ये सब करना और उनका सहमति पाना. इकोलॉजिकल इकोनॉमिकल सोशल इम्पैक्ट सर सारे चैलेंजेस. यस सर. यस सर. फाइन. रिसेंटली देयर हैज बीन लॉट ऑफ यू नो रिवाइव टॉक्स अबाउट अ खालिस्तानी इशू हैपनिंग इन द इंडिया. यस सर. So what is your understanding of this and how do you look at this issue? Yes, sir. Sir, recent में अभी news आई थी जिसमें ये link है जो कृषि आंदोलन हुए थे कृषि तीन किसान बिलों के बाद जो दिल्ली में आंदोलन हुए सर उनसे जुड़ा हुआ ये मुद्दा है जो अभी हाल फिलहाल में उभर कर सामने आया फिर से एक बार. सर इसका लिंक ये है कि एक तो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म का अगर हम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो देखने को मिलता है जिसमें धर्म के नाम पर चीज़ों को बरगलाने की कोशिश करते हैं कुछ तथाकथित सामाजिक तत्व और उससे इशू निकलता है और इसके सर फॉरेन कनेक्शन भी देखने को मिलते हैं. देयर इज अ कॉन्सेप्ट एक जैम ट्रिनिटी करके कॉन्सेप्ट है. यस सर. आप बता सकते हैं इसके बारे में थोड़ा? सर भारत सरकार ने 2016 में जैम ट्रिनिटी का इकोनॉमिक सर्वे के अंदर ये वर्ड आया था और इसका तात्पर्य है कि जे से जनधन आधार फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ इंडियंस ए से आधार एक डिजिटल आईडी
और सर एम से मोबाइल इससे बना हुआ है जिससे फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, जो गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं उनको इंड टू इंड कंज्यूमर तक या इंडियन सिटीजन तक आसानी से पहुंच जाएं, और जो बीच का कालाबाजारी होता है या ब्लॉकेज होता है उसको रोका जा सके। यस सर, वुमेन एम्पावरमेंट की बात बार बार की जाती है, तो व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट, क्या है ये कॉन्सेप्ट वुमेन एम्पावरमेंट का, इसके मूल केंद्र में इसकी क्या भावनाएं? सर वुमेन एम्पावरमेंट के केंद्र में मुझे लगता है सर दो चीज़ें हैं मेन, एक तो है गिविंग वॉइस टू द वुमेन एंड गिविंग चॉइस टू द वुमेन, मीन्स महिला को सोचने समझने की भी मिले, ना सिर्फ उसके सामने अवसर दिए जाएं बल्कि उसके चॉइस हो कि क्या सही है उसके लिए क्या गलत है, उसकी लाइफ का डिसीजन उसका और वॉइस होना चाहिए। सर ये मूल बिंदु में आते हैं जिसके बहुत सारे आयाम रहते हैं। हालिया बजट में उत्तर प्रदेश सरकार की महिलाओं के सशक्तिकरण के संबंध में क्या मुख्य घोषणाएं की गई हैं या कौन सी मुख्य बातों पर ध्यान दिया गया जिससे आप समझती हैं कि महिला सशक्तिकरण की मार्ग प्रशस्त हो गया है? सर उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट पे महिलाओं के लिए कई सारे प्रावधान किए हैं, जो पहले से स्कीम चली आ रही थी उनको फंड एलोकेशन किया है और नए एरियाज को भी खोला है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, कन्या सुमंगला योजना, महिला समृद्धि योजना, मिशन शक्ति, ये पहले से चली आ रही हैं। इससे महिलाओं की सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य और एजुकेशन पे फोकस किया गया। इसके साथ साथ यूपी सरकार ने स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत महिलाओं के लिए एक एवेन्यू खोले हैं जिससे स्टार्टअप्स में महिलाएँ सीखें और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ावा दिया जाए, और महिलाओं में भी सर जैसे डिफरेंट कास्ट वाइज भी उनमें रिजर्वेशन देने की बात की गई है कि अगर एससी एसटी की विमेन हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा फंड एलोकेटेड हैं, और स्टार्टअप में एमएसएमई के तहत है कि बिना गारंटी के लोन प्रोवाइड करेंगी बैंक प्रायोरिटी बेसिस पे, और आदिवासी महिलाओं के लिए भी सरकार ने वन टांगिया गाँव में गाँव के नियर अबाउट जो उनकी महिलाएं हैं तो जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस से वो लोग जैसे बांस की टोकरी बनाना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट टाइप के, तो उनको प्रायोरिटी दी जा रही है और बनाएंगे। एक लास्ट स्थिति के बारे में स्थितिगत प्रश्न है। यस सर, कि आप जिस क्षेत्र पे पदासीन हैं, यस सर, वहाँ पे आपके पास लगातार ये विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य या मुख्य शिक्षक बार बार ये समस्या लेके आ रहे हैं आपके पास, यस सर, कि हमारे यहाँ जो है स्टूडेंट्स या छात्र जो है वो आ नहीं रहे हैं, यस सर, उनकी संख्या तो है ग्रामीण क्षेत्रों में, यस सर, परंतु वे टर्न अप नहीं हो रहे, स्कूल में शिक्षा प्राप्ति के लिए आ नहीं रहे हैं, यस सर, तो ऐसी स्थिति में आप कौन से तीन महत्वपूर्ण कदम उठाएंगी ताकि छात्रों की संख्या स्कूल में बढ़ सके? यस सर, सर पहला कदम मेरा ये होगा कि पेरेंट टीचर मीटिंग बुलाएंगे और असेसमेंट करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे हैं। कारण सर पारिवारिक हो सकता है स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज हों, जैसे टॉयलेट ना होना, या फिर महिलाओं की जो लड़कियाँ पढ़ने आती हैं उनसे डर के नहीं आ रहे हैं, और या फिर घर में उनको फैमिली में कोई इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं है तो बच्चे चाइल्ड लेबर की तरफ जा रहे हैं, या फिर उनका एजुकेशन की तरफ से मोह भंग हो गया है कि लाखों रुपए लगाने के बाद भी जॉब तो मिली नहीं है, ये माइंडसेट है क्या है आखिर, तो वो उस मुद्दे पर काम करेंगे। पेरेंट टीचर मीटिंग में असेस करके उनको हम समझाएंगे कि एजुकेशन बच्चे के लिए कितना ज़रूरी है, और एटलीस्ट सर 10th तक 8th तक एजुकेशन मस्ट है हर एक बच्चे के लिए, ये राइट भी है और एक पेरेंट की ड्यूटी भी है और एक चिल्ड्रन का राइट भी है, सर उससे समझाएंगे। उसके बाद सर हम बहुत सारे इनोवेटिव सॉल्यूशंस, सर जैसे होता है बच्चे का मन स्कूल में नहीं लग रहा है तो हम टीचर पे काम करेंगे कि इनोवेटिव लर्निंग, आप मॉक्स चलते हैं मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज, तो एक टीवी लगवा के कि बच्चे थोड़ा इंटरेक्टिव लर्निंग करें। और तीसरे नंबर पर सर जो ग्राम पंचायत हैं उनकी लोकल की, सर उनके माध्यम से या फिर युवक मंगल दल होते हैं उनके माध्यम से और स्प्रेड करेंगे अवेयरनेस कि ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चों को स्कूल में लाइए, सरकार खाने की फ्री उनके पहनने के कपड़े की ड्रेस की बैग की हर चीज़ की व्यवस्था कर रही है, आइए और बच्चों को पढ़ाइए। यस सर, अभी इंटरनेशनल वुमेन्स डे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया 8 मार्च को। यस सर, तो 8 मार्च को क्यों सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे?
सर 8 मार्च 1960 में अमेरिका में फेमिनिस्ट मूवमेंट के स्टार्ट हुई थी और नारीवादी जो समर्थक थे उन्होंने मिलकर के मोर्चा निकाला था कि महिलाओं को इक्वल अपॉर्चुनिटी इक्वल एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए. तो उस दिन से ये रिमार्केबल डे हो गया और इंटरनेशनल वीमेन डे मनाते हैं. एक बहुत दिनों से पार्लियामेंट में प्रस्ताव चल रहा है कि 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए दिया जाए. यस सर. और अभी वो कुछ मामला आगे बढ़ता नहीं. यस सर. तो आपके विचार में क्या है, वो रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर 108th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया था, वो स्टिल पेंडिंग है और कई सालों से महिलाएं उसके लिए बहुत सारे और भी संघ हैं जो बात कर रहे हैं कि होना चाहिए. सर मेरे विचार में सर ये एक अच्छा कदम है क्योंकि हम अगर सर परसेंटेज पे जाएं कंपेयर टू फीमेल एमपीज तो पार्लियामेंट में लगभग 14% है लोकसभा में, और राज्यसभा में देखें तो यही हाल 13-14% राज्यसभा में है. तो शो करता है कि सर महिलाओं की वहाँ पे प्रेजेंटेशन कम है कंपेयर टू हम अगर साउथ मतलब अफ्रीका की कुछ कंट्रीज़ हैं जिनमें 66% तक महिलाएं हैं पार्लियामेंट में. एक अच्छा कदम है इससे सर. अगर हम पर्टिकुलर रिजर्वेशन ले आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को अवसर मिलेंगे, वो सीट अगर महिलाओं के लिए है तो महिलाएँ आएँगी. यस सर. सर इसका विरोध इसलिए करते हैं कि अगर कोटा 33% हम पहले से लगा देंगे हर जगह तो ज़रूरी नहीं है कि कोटा लगने के बाद महिलाएं उनका रिप्रेजेंटेशन हो ही. पहला. दूसरा है कि कुछ लोगों का एक पैट्रियार्कल माइंडसेट है कि पावर की गद्दी पे हमेशा पुरुष को बैठना चाहिए. अगर महिलाएं आएंगी तो उनको कहीं ना कहीं पावर इनसिक्योरिटी फील होती है, इसलिए तथाकथित राजनीतिक दल उसका विरोध भी करते हैं. और आइडियली हमारे पास क्या टीएफआर होना चाहिए? आप कहीं पोस्टेड हैं तो 3 स्टेप आप क्या लेंगे टीएफआर इंप्रूव करने के लिए? सर इंडिया में जो रीसेंट की डेटा है उसके अकॉर्डिंग जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो माना जाता है कि 2.1 होना चाहिए आइडियल. और हाँ, और कुछ स्टेट्स ने इंडिया के 1.8 तक भी कर लिया. केरल लाइक यूपी में सर बढ़ा हुआ है 1 पॉइंट आगे 2.2 समथिंग, और बिहार का 2.3 है. सर ये सेंसस का नाम नहीं याद है सर. हाउस होल्ड आई थिंक एक सर्वे करता है, एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा अभी. सर इसका जो इसमें सबसे बड़ा की रोल है विमेन, और विमेन का विमेन्स एजेंसी एक टर्म आता है, उसका मतलब है कि सर विमेन के पास पावर होनी चाहिए कि उसकी बॉडीली पावर होनी चाहिए कि हमें मतलब रिप्रोड्यूस करना है कि नहीं करना है. तो उसके लिए परिवार नियोजन एक स्टेप हो सकता है कि हमारे ऑलरेडी सरकार ने बहुत सारी स्कीम चलाई हैं उनका बेटर तरीके से मैं इम्प्लीमेंटेशन करवाऊँगी. उसमें सुरक्षित मातृत्व प्रोग्राम है या फिर जननी सुरक्षा योजना करके हैं. आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को मैं मोबिलाइज करूंगी. और आशा का फुल फॉर्म क्या है? सर एस्पिरेशनल हेल्थ एक्टिविस्ट्स करके है, कुछ एग्जैक्ट नाम नहीं आता. वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं कि नहीं है? सर उनको अभी मानदेय मिलता है सर, वो परमानेंट नहीं, उसके लिए वो मांग भी कर रही हैं कि हमें परमानेंट किया जाए. फॉरेस्ट में जो ट्राइबल ट्राइब्स रहते हैं उनके क्या राइट्स हैं और क्या उनको प्रॉब्लम्स हैं? सर फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 से उनको डिफाइंड राइट दिए गए हैं. एक इंडिविजुअल राइट है और एक कम्युनिटी राइट है. इंडिविजुअल राइट में ये कहा गया है कि अगर 3 पीढ़ियों तक कोई भी फॉरेस्ट ट्राइब्स है वो वहाँ रह रही है तो उसको 4 हेक्टेयर की ज़मीन मिलेगी और उन पर वो पट्टा दिया जाएगा, उनके नाम कर दी जाएगी, उन्हें कोई बेदखल नहीं कर पाएगा. और जो कम्युनिटी राइट रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में क्या फ़र्क है? सर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंदर धारा 4 है. उस धारा 4 के अंदर सरकार राज्य सरकार कोई भी पैच ऑफ लैंड को फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर सकती है, वो रिजर्व फॉरेस्ट है. और रिजर्व फॉरेस्ट में किसी भी प्रकार की एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं है और वो कभी भी किसी भी अदर पर्पज़ के लिए कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है. वेयर इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में सर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट किस एक्ट से कवर होगा? सर ये भी इसी इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में ही एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की सूची है, उसमें ये है कि राज्य सरकार प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट घोषित कर सकती है. ये रिजर्व ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ये बाद में नेशनल पार्क भी बनाया जा सकता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बनाई जा सकती है और किसी और एक्टिविटी. स्टेट और सेंटर दोनों के पास फॉरेस्ट से रिलेटेड इशूज हैं. यस सर. तो लिस्ट में क्या क्या काम सेंटर के पास है और क्या क्या काम स्टेट के पास? सर
फॉरेस्ट कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, तो उसमें सर वाइल्ड लाइफ और जो ये फॉरेस्ट से प्रोटेक्शन का काम है, ये सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर ही करते हैं सर? ऐसा कोई लाइक वाटर से रिलेटेड है या फिर एयर से रिलेटेड, ये सारे मिल के ही करते हैं दोनों एक्ट? यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके बारे में क्या है आपकी ओपिनियन? सर संविधान के आर्टिकल 44 अंडर DPSP ये यूनिफॉर्म सिविल कोड रखा गया है सर। इसका तात्पर्य है कि जो भारत में जितने भी सिविल लॉज हैं वो सभी कम्युनिटीज़ के लिए सेम होने चाहिए। सरकार ने इसको उस टाइम लागू नहीं किया था, पर अभी उस पर धीरे धीरे एक एक स्टेप बढ़ करके उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है, ताकि जो जेंडर इक्वालिटी है हर जगह बहुत वो बैलेंस रहे, बनी रहे, और इंडिया में जितने भी सिविल लॉज हैं वो सभी कम्युनिटीज़ के लिए सेम रहें और राइट टू इक्वल। सो प्रॉब्लम्स ये हैं कि कुछ धर्म ऐसा मानते हैं कि ये उनकी फ्रीडम को इनक्रोच करने का सरकार का प्रयास है, जैसे तीन तलाक का विवाद हुआ था या फिर तीन तलाक पे भी गवर्नमेंट ने कानून बना दिया। यस गवर्नमेंट ने कानून, लेकिन उस पर भी बहुत जब सरकार ला रही थी तो बहुत विरोध हो रहा था, और दूसरा उनका एज ऑफ मैरिज है, इन सब के लिए इशू है।